वंदे मातरम साथियों, राजीव भाई के वीडियोस में आपने बार बार एक नियम का जिक्र सुना होगा और वो नियम है भोजनांते विषमवारी, अर्थात भोजन के अंत में अगर आपने पानी पी लिया तो समझ लीजिए आपने विष पी लिया। भोजनांते विषमवारी का मतलब भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है। आयुर्वेद में ये चीज़ साफ साफ लिखी है और वाग्भट आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम अष्टांग संग्रहम नाम के दो ग्रंथ हैं जिनमें ये चीज़ इस क्लियरली बताई गई है आपको कि भोजन के अंत में अगर आप पानी पी लेते हैं तो वो विष पीने के समान ही होता है, आपको बाहर से विष लेने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि जो आप भोजन करते हैं तो वो जो भोजन आपके पेट में गया वो पचने के लिए 1.5 घंटे का समय लगता है और 1.5 घंटे तक वो भोजन उस अग्नि के प्रभाव में रहता है जिसको जठर अग्नि या जठर रस बोलते हैं, और वो जठर रस इतना गर्म होता है, इतना तीव्र होता है कि आपके भोजन को पचाने का काम कर सकता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और लैब में आपने काम किया है तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में ज़रूर सुना होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना गर्म होता है जैसे तेज़ाब होता है, ठीक वैसे ही कि अगर आपकी स्किन पर डाल दिया जाए कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो वो हाथ को छेद करके बाहर निकल जाता है, इतना तीव्र वो एसिड होता है। और ठीक वैसे ही इस जो आपका जठर रस होता है उसकी तीव्रता होती है और वो आप जैसे ही आपने भोजन खाना शुरू किया तो वो जठर रस आपके भोजन को पचाने का काम शुरू कर देता है। तो उसको पचाने में, भोजन को पचाने में उस जठर रस को लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। इस 1.5 घंटे में अगर आपने पेट में पानी डाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जठर रस की तीव्रता को कम कर दिया, पेट में जल रही जो अग्नि है जिसको जठर अग्नि बोलते हैं उसको आपने शांत कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण से अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप घर में खाना बना रहे हैं और चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, गैस जल रही है, खाना उबलना शुरू ही हुआ था कि आपने गैस पर पानी डाल दिया, चूल्हे पर पानी डाल दिया और वो आग बुझ गई। जब आग बुझ गई चूल्हे की तो फिर क्या हुआ? फिर आपका जो खाना है वो पकना बंद हो गया और वो वहीं पर रुक गया। अगर वो खाना वैसे ही आप रखे रहने देंगे तो कुछ समय बाद या कहें कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर वो खाना जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक वैसा ही कुछ हमारे पेट में होता है। हमारे पेट में जैसे ही आपने भोजन करना शुरू किया, पेट में जठर रस बनना शुरू हुआ, पेट में जठर अग्नि तीव्र हो गई, भोजन पचना शुरू हुआ, और जैसे ही आपने भोजन किया, भोजन का पाचन शुरू ही हुआ था कि आपने भोजन के उस जठर रस में या जठर अग्नि में आपने ऊपर से पानी डाल दिया और आपने पेट में जल रही गैस को बुझा दिया। अब अगर गैस बुझ गई है तो जैसा मैंने बताया आपको कि भोजन अब आपका पेट में पचेगा नहीं, अब भोजन आपका सड़ना शुरू हो जाएगा और ये सड़ा हुआ भोजन पेट संबंधी तमाम रोग पैदा करेगा जिसमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से लेकर अल्सर और कैंसर तक की बीमारियां शामिल हैं। एक छोटी सी गलती आपके शरीर में कैंसर तक की बीमारियां या कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म दे सकती है, तो क्यों ना इस गलती को सुधार लिया जाए। अभी तक हमने जो गलती की वो की, लेकिन अभी हमें इस चीज़ का पता है। आयुर्वेद आप जानते हैं, हम जानते हैं, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, नेट पर तमाम आयुर्वेदिक ग्रंथ मौजूद हैं। आयुर्वेद की बात करें तो वाग्भट आयुर्वेद के अष्टांग हृदयम अष्टांग संग्रह भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, उनकी PDF मिल जाएंगी, उनको अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अष्टांग हृदयम में लगभग 7000 श्लोक हैं, लेकिन उन 7000 में से भी अगर आप सिर्फ ये एक सूत्र का पालन करते हैं, सिर्फ ये एक नियम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप मान के चलिए 80 से अधिक बीमारियों से आप बच जाएंगे, पेट संबंधी होने वाले रोग आपको नहीं होंगे। अब इसमें आपका एक सवाल आ सकता है कि खाना अगर हम खा रहे हैं और खाना खाते समय कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे गले में फंसती है या अटकती है या सूखी है तो उसको कैसे हम पेट के अंदर ले जाएं? तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको एक और देंगे। आपने जानवरों को भोजन करते देखा होगा, गाय भैंस को आपने भोजन करते देखा होगा जो सूखा भूसा लेते हैं अपने खाने में और वो चुगाली करते रहते हैं और वो भोजन पेट में आराम से ले जाते हैं। कैसे होता है ऐसा? क्योंकि उनके मुंह में लार बनती है, आपने देखा झाग सा गिरता रहता है,
तो वैसे ही आप जितना भोजन को चबाएंगे, भोजन में आपके मुंह में भी लार बनती है, और वो लार जो है वो आपके भोजन को चिकना बनाती है। जैसे जैसे आप भोजन चबाते रहेंगे तो वो लार आपके भोजन को इतना चिकना कर देगी कि सरलता से आपके गले के नीचे उतर जाए। फिर भी अगर किसी कारण से आपके गले में कोई बाइट या कोई निवाला फंसता है तो उस कंडीशन में आप एक से दो सिप पानी ले सकते हैं भोजन के बीच में भी। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आदत है खाने के बाद कुछ पीने की, तो पानी नहीं लेना है। पानी के अलावा आप और भी कई चीज़ें ले सकते हैं, जैसे लस्सी हो गया, जैसे मट्ठा हो गया, जैसे छाछ हो गया, जैसे दही हो गया, जैसे फलों का रस हो गया, जैसे आम का रस है, अनार का रस है, संतरे का रस है, इस तरह से ये फ्रूट जूस भी आप ले सकते हैं। अब ये फ्रूट जूस, मट्ठा, ये सारी चीज़ें आप ले कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि पानी नहीं लेना लेकिन ये लेना है, तो ये जो लिक्विड चीज़ें हैं ये भी तो जठरस को या जठर अग्नि को बुझा देंगी। तो देखिए, आपने एक गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। राजीव भाई ने इसका जिक्र कई बार अपने वीडियोज़ में किया है। तो क्या होता है कि पानी का कोई अपना गुण नहीं होता, पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता। पानी जिस चीज़ में मिलता है उसी का रंग, उसी के गुण धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। मतलब क्या है, पानी जिसमें मिलता है उस जैसा हो जाता है। अब क्या हुआ कि आपने जब संतरे का रस निकाला तो उसमें भी लिक्विड है, लेकिन वो संतरे का रस में मिला हुआ है तो इसलिए वो पानी नहीं है, वो संतरे का रस है। जब वो आप अपने पेट में ले जाएंगे तो उससे आपके जठर रस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से आप फलों का जूस ले सकते हैं, इसी तरह से आप मट्ठा, लस्सी, दही कुछ भी लें तो वो आपके जठर रस पर प्रभाव नहीं डालने वाला और उससे आपके भोजन पाचन पर कोई परेशानी नहीं आने वाली। जब आप सुबह का भोजन करते हैं, अब सवाल आता है कि सुबह का भोजन करें, दोपहर का भोजन करें, तो हम क्या कभी भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं? तो इसके लिए भी आयुर्वेद में नियम है। तो इसके लिए क्या नियम है कि जब आप सुबह का भोजन करते हैं, सुबह का भोजन का मतलब नाश्ता नहीं, भोजन का मतलब कंप्लीट भोजन। जब आप सुबह का भोजन 9-10 बजे के आसपास करते हैं तो उस कंडीशन में आप फलों का रस ले सकते हैं, अनार का रस, संतरे का रस, कुछ नहीं मिलता तो नींबू का रस, नींबू की शिकंजी ले सकते हैं। फिर कुछ भी नहीं है आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप नींबू या और कुछ ला सकें बाज़ार से, तो गुड़ आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगी। आप गुड़ का शरबत ले सकते हैं सुबह के खाने के बाद। और दोपहर के खाने के बाद आपने क्या करना है, दोपहर का खाना अगर आप लेते हैं तो उस खाने के बाद आप लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, दही को मत कर आप उसमें पानी मिलाकर उसको ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोपहर को ले सकते हैं। बात रात की करें तो रात के भोजन के बाद आप दूध ले सकते हैं। अब चूंकि आपके भोजन में नमक है इसलिए आप चाहें तो आधे घंटे का गैप दे सकते हैं दूध में और भोजन में, लेकिन आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो उस कंडीशन में आप अपने भोजन के साथ दूध को भी ले सकते हैं। वो नमक और दूध का जो विरुद्ध आहार वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपका आयोडीन युक्त नमक और आपके जो फलों के रस के साथ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो रात के भोजन के बाद आप आधे घंटे का गैप दें, एक घंटे का, डेढ़ घंटे का दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भोजन किया उसके बाद आप टहलने गए। सबसे अच्छा रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ या मैं जो रिकमेंड करना चाहता हूँ वो ये, आपने भोजन किया, बाइट के आप भोजन करते करते आपको पानी की ज़रूरत है तो एक दो सिप पानी ले लिया, मुँह से कुल्ला कर लिया, उसके बाद आप रात को टहलना है, भोजन के बाद आपने 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद आप टहलने चले गए, 1,500 से 2,000 कदम आप टहल कर आए, उसके बाद आपके सोने का जब समय हो जाता है तो सोते समय आप दूध लें, बहुत अच्छा रहता है। और ये नियम मैं फॉलो करता हूँ, अपने जितने चिर परिचित लोग हैं उनको फॉलो कराता हूँ, जो पेशेंट हैं जिनको किसी भी तरह की कोई बीमारी है उनको ये नियम ज़रूर फॉलो करवाता हूँ। और आप यकीन मानिए, जो औषधि उस बीमारी को ठीक करने में 15 दिन का समय लगाती है, वो इस तरह के 2-3 नियमों का पालन करने से 3 से 4 दिनों में बहुत सरलता से ठीक हो जाती है। आप भी इसका प्रयोग करें, अपने जीवन में उतारें इसको, अपने बच्चों को इसका संस्कार दें, आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप बीमारियों से बचने लगेंगे, आपके बच्चों में बीमारियां आना कम हो जाएंगी।
तीन साल का समय ज़रूर लग सकता है आपको, क्योंकि आपने शरीर में, आपका शरीर डिटॉक्स नहीं है, आपने शरीर में इतना कचरा जमा कर रखा है, बॉडी पहले उस कचरे को साफ करेगी। 2 से 3 साल का समय लेगी, जिसमें अगर आप ये नियम कंटिन्यू पोलन फॉलो करते हैं तो फिर आपके शरीर में बीमारियां आना कम हो जाएगा, शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो छोटी मोटी रोगों से या खुद लड़ लेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो जिससे ये आपके पास छोटी मोटी बीमारियों को भटकने नहीं देगा। तो आज से ही आप ये नियम शुरू कर दीजिए और इसका रिजल्ट आप देखिए, बच्चों को कराएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी से कोई बच ना जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी एक सी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।